हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइलिटी का बचाव ट्रायल के किसी भी स्टेज में उठाया जा सकता है, यहाँ तक कि केस के डिसमिसल होने के बाद भी। चलिए इस केस के बैकग्राउंड को समझते हैं। ये मैटर था राहुल कुमार यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार का। इसमें रोहित यादव और को अक्यूज्ड पर सेशन जज द्वारा इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 302 एंड 394 और आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 27 सब सेक्शन 2 के तहत मुकदमा चलाया गया था। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी। उन्होंने डेथ सेंटेंस के कंफर्मेशन के खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 366 के तहत पटना हाई कोर्ट के समक्ष अपील दायर की थी। पटना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मैटर पर स्प्लिट ओपिनियन दिया था। पटना हाई कोर्ट के सिंगल जज ने अपील को खारिज कर दिया, लेकिन एपिलेंट और को अक्यूज्ड को दिए गए डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया था। एपिलेंट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के सेक्शन 7A के तहत एक आवेदन दायर किया और दावा किया कि घटना की डेट तक वह जुवेनाइल था। इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिसेस बीआर गवई और संदीप मेहता ने पाया कि जेजे एक्ट 2000 के प्रोविजन के अनुसार प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की गई थी। एपिलेंट द्वारा उठाए गए जुवेनाइल होने की दलील को प्रॉपर इंक्वायरी किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता। जेजे एक्ट 2015 के सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जुवेनाइल होने की दलील किसी भी कोर्ट के समक्ष उठाई जा सकती है और इससे फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस के बाद भी किसी भी स्टेज पर मान्यता दी जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स को जानने के लिए जुड़े रहिए एलेक्स फॉर जुडिशियरी के साथ। थैंक यू।